ये मैं हूँ ब्लिपी। आज हम मिलने वाले हैं फ्लेमिंगोस से और ऐसे एनिमल से जिन्हें एम्बेसडर कहते हैं। चलो उनसे मिले। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो आज मैं कहाँ आया हूँ। मैं आज आया हूँ वुडलैंड पार्क जू में, जो है सिएटल वॉशिंगटन में। क्या आप कभी एक जू में गए हो? कमाल का होता है। वहाँ होते हैं बड़े एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, यहाँ तक कि कीड़े भी होते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो चले। वाओ, हम एक एनिमल के घर के पास हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। हो इसे देखो। ये है किसी एनिमल का खाना। यम। ओके, मैं इसे यहाँ वापस रख देता हूँ। वाओ, और ये है इस एनिमल का असली खाना। हाँ, यही खाना ये हर रोज खाते हैं। हे, इसे देखो, यहाँ ये देख रहे हो? हाँ, यहाँ इसमें थोड़ा पाउडर डाल देता हूँ। अब थोड़ा घुमा लेते हैं और इसे ही ये एनिमल हर रोज खाना पसंद करते हैं। ओके, हम इसे यहाँ वापस रख देते हैं। पर हे, क्या आपने देखा वहाँ क्या पड़ा हुआ है? शायद यह है एक फेदर। ये उसी एनिमल का होगा जो इस हैबिटेट में रहता है। हाँ, फेदर, बर्ड्स के फेदर होते हैं। और आपने देखा इसका रंग है गुलाबी। वाओ, आप जानते हो कौन सा एनिमल बर्ड गुलाबी रंग का होता है? हाँ, एक फ्लेमिंगो। ओके, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ और ये खाना उठा लेता हूँ और चलकर किसी एक फ्लेमिंगो को ढूंढते हैं। जॉन है। हाय ब्लिपी, कैसे हो? मजे में, फ्लेमिंगो एग्जिबिट में स्वागत है। थैंक यू, तुम क्या कर रहे हो? बस फेदर्स को जमीन से हटा रहा हूँ और वो है हमारे फ्लेमिंगोस। ओह, आप देख रहे हो वो फ्लेमिंगोस? वाओ, क्या मैं पास जाकर इन्हें देख सकता हूँ प्लीज? हाँ, जा सकते हो। ऑलराइट। हे, चलो हम फ्लेमिंगोस को पास से देखते हैं। ओह, हेलो फ्लेमिंगोस। हे, वाओ, ये फ्लेमिंगोस कितने प्यारे हैं ना? वाओ, जानते हो जब फ्लेमिंगोस का जन्म होता है तो वो सफेद रंग के होते हैं। हाँ, सिलेटी या सफेद सा सिलेटी। और जैसे ही ये बड़े होते हैं, ये बदल कर हो जाते हैं गुलाबी, क्योंकि ये जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा गुलाबी रंग होता है। वाओ, ये कितने शानदार हैं। और देख रहे हो उनके पैर कितने लंबे हैं? वाओ, बहुत ही लंबे हैं। एक एडल्ट फ्लेमिंगो के पैर उसके शरीर से भी बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। वाओ, बहुत ही अजीब बात है। हे, आपने देखा उनके पैर कैसे पीछे की ओर मुड़ रहे हैं? हाँ, इंसानों के दोनों पैर आगे की ओर मुड़ते हैं, पर इनके फ्लेमिंगो के पैर पीछे की ओर मुड़ते हैं। आप सोचते होंगे वो कितने लचीले घुटने हैं। पर हे, मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। देख रहे हो वो छोटा सा एरिया ठीक उनके पैरों के बीच में जो घुटने जैसा लग रहा है, वो असल में है फ्लेमिंगो के एंकल। वो कमाल है ना? पर हे, अब हम इसमें से थोड़े खाने को पानी में फेंकते हैं और फिर देखते हैं वो आते हैं या नहीं। ओके, ठीक है, चलो फेंकते हैं। ये है एनिमल एम्बेसडर शो। एक और शानदार एनिमल। ये जगह कमाल की है। हे, तुम कौन हो? मैं हूँ सूजी। ओह, मिलकर खुशी हुई। और वो कौन है? ये है हैरी और ये एक स्ट्राइप स्कंक है। वाओ, स्ट्राइप स्कंक। हाँ, ये है काला और सफेद। उस पर वो स्ट्राइप्स क्यों है? इसकी स्ट्राइप्स की मदद से ये प्रेडेटर्स को बता देता है कि उनके इलाके में ये एक स्कंक है और अगर वो एक स्कंक से पहले मिल चुके हैं तो वो दोबारा स्प्रे नहीं होना चाहेंगे। ओह हाँ, रुको, तुमने कहा स्प्रे। क्या ये वही स्मेल है जो कभी कभी रास्ते से गुजरते हुए आती है? तुम सही समझे ब्लिपी, वो दुर्गंध बहुत तेज होती है और एक बार सूंघने वाला उसे कभी भूल ना पाए, खास करके तब जब एक स्कंक ने आप पर स्प्रे किया हो। हाँ, पर बताओ कि ये उसे छिड़कते क्यों हैं? ये ऐसे अपनी रक्षा करते हैं। तो जब एक स्कंक को डर लगता है तो पहली चीज जो हैरी करेगा वो तेजी से आगे आएगा और हैंड स्टैंड करेगा, जैसे कह रहा हो ओए पंगा मत ले,
और अगर वो शिकारी फिर भी आगे बढ़े तो जैसी चेतावनी मिली थी उस पर स्प्रे होगा। ओह, सुनकर बड़ा कमाल लगा कि ये हाथों पर खड़े रह सकते हैं। कमाल है। हैरी क्या खा रहा है? आज ये खा रहा है इंसेक्ट्स। इसे बग्स पसंद है, सब्जियाँ पसंद है, फल, और ये मीट भी खाता है। वाओ, हैरी कितना कमाल का है, मुझे स्कंक्स पसंद आए। वो देखो तू, एक और प्यारा एनिमल। वाओ, ये है एडवार्डो। हेलो एडवार्डो। वाओ, एडवार्डो है एक 3 बैंडेड वाला आर्माडिलो। वाओ, और लगता है ये खा रहा है कुछ कीड़ों को। ये बहुत ही यमी है। इसके लिए मुझे इजाजत मिल गई है कि मैं अंदर जा सकूं, पर इसे जरूर ऐसा लगेगा कि मेरे जूते बहुत ही कमाल के हैं क्योंकि ये सूंघते हैं। तो चलो अंदर चलकर देखते हैं कि ये क्या करता है। हेलो, हे, कैसे हो? ओह, इसे देख रहे हो? ओह, इसके शरीर पर एक बहुत ही हार्ड शेल है। हाँ, 3 बैंड वाला आर्माडिलो, ये ऐसे होते हैं जो एक बॉल जैसे बन सकते हैं, पर ये वैसा अभी नहीं कर रहा है क्योंकि ये मुझसे फिलहाल डर नहीं रहा है। हाँ, ये अभी सुरक्षित महसूस कर रहा है। हे, आप देख रहे हो ये कैसे सूंघ रहा है? वो, ये बहुत ही क्यूट है। इसकी उंगली के नाखून बड़े ही लंबे हैं, या पंजों के नाखून, और इसके शेल के नीचे छोटे छोटे बाल भी है। वाओ, जरा देखो तो। वाओ, देखो तो, देखो, यह है एक हॉक। एक सेकंड रुको, तुम कौन हो? मेरा नाम है लिंजी, मैं यहाँ एनिमल्स का ख्याल रखती हूँ। वाओ, और इस हॉक का क्या नाम है? ये है सिस्को, ये एक 32 साल का हेडसिस हॉक है। वाओ, सिस्को बहुत ही सुंदर है। वाओ, कितने प्यारे पंख हैं। क्या वो पंख बहुत बड़े हैं या पतले या छोटे? इसके पंख बड़े और चौड़े हैं जो तैरने के लिए अच्छे हैं, पर ये तेजी से छलांग नहीं लगा सकता। ओह, वाओ, क्या ये झुंड में रहते हैं या अकेले? हेडसिस हॉग बहुत ही खास होते हैं क्योंकि ये दूसरे हॉग्स के साथ परिवारों का झुंड बनाकर रहते हैं। वैसे ज्यादातर शिकारी पक्षी अकेले रहते हैं। ओह वाओ, मुझे सिस्को की आंखें बहुत पसंद आई। इनमें क्या खास बात है? हेडसिस हॉग्स और दूसरे शिकारी पक्षियों की नजर बहुत तेज होती है। कमाल की बात है, और कितनी प्यारी चोंच है। देखो तो, ये बहुत तेज लग रही है। क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? क्यों नहीं। वाओ, जरा सिस्को को देखो तो सही। वाओ, वो ये कितना शानदार है। वाओ, हे सिस्को। वाओ। वाओ, और एक लाजवाब एनिमल। वाओ, ये है एक बर्रोविंग आउल। वाओ, इसका क्या नाम है? ये है पापू। वाओ, मिलकर खुशी हुई पापू। मैं हूँ ब्लिपी। आपने पापू की आंखें देखी? ये कितनी बड़ी और पीली है। वाओ, मतलब इनकी भी नजर तेज है? आउल्स की नजर बहुत तेज होती है। वाओ, पापू कितना छोटा है। क्या ये अभी एक बच्चा है? नहीं, ये पूरी तरह से बढ़ चुका है। वाओ, क्या ये भी दूसरे आउल्स की तरह रात में खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलता है? तो दूसरे आउल्स निशाचर होते हैं, मतलब वो रात में जागते हैं, लेकिन ये दिन के समय जागता है। ओह, क्या बात है, पापू बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वाओ, मुझे इसे पालने का मन कर रहा है, पर मैं नहीं करूँगा। क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? क्यों नहीं। जरा इसे देखो, ये है अनाही। हाँ, ये बहुत ही प्यारी है। वाओ, देखो ये कैसे जीभ बाहर निकाल रही है। हाँ, ये बार बार अपनी जीभ इसलिए बाहर निकाल रही है ताकि ये सूंघ सके। कमाल की बात है ना, हम हमारी नाक से सूंघते हैं, पर ये अपनी जीभ से सूंघती है। हाँ, और ये है एक रेड टेल बोआ कंस्ट्रक्टर। वाओ, देखो ना, ये कितने मजे से इस पेड़ से लिपट कर आराम कर रही है। हेलो। वाओ। उम्मीद है इसका दिन मजे से
पीत रहा है। वाह, ये बहुत ही बड़ी है। अभी ये लगभग 7 फुट लंबी है। हाँ, ये लगभग 2.3 मीटर्स होती है। वाह, मगर असल में ये और बढ़ने वाली है। ये इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वाह, हाँ, ये बढ़ सकती है 12 फुट तक। वो होता है लगभग 4 मीटर। वाह, ये बहुत ही कमाल की है। वाह, देखो तो, ये है ब्लू, और ब्लू है एक ब्लू टंग्ड स्किंक। ये एक सांप जैसी दिखती है कि नहीं? हाँ, पैरों वाला सांप। पर ये नहीं है, ये असल में है एक लिजर्ड। वाह, ये बहुत ही कमाल दिखती है। वो आपने इसकी जीभ देखी? हाँ, ये नीले रंग की है, तभी इसका ये नाम है। शिकारियों को लगता होगा कि जरूर इसकी जीभ जहरीली हो सकती है। हाँ, वो आप इसके कान देख रहे हो? वाओ, ये दूर की आवाज भी सुन सकती होगी। वाओ, हे, कैसी हो? तुम्हारा दिन कैसा बीत रहा है? वाओ, देखो, ये है टट और ये है काइरो। वाओ, देखो तो, हे, ये दोनों इजिप्ट के टॉर्टोसेस हैं। हाँ, जब हम टॉर्टोस सुनते हैं तब लगता है वो बड़ा सा होगा, पर असल में इनका आकार इतना ही बढ़ता है। वाओ, दोनों कहाँ जा रहे हो? दोनों को भूख लगी होगी। ये दरअसल रहते हैं रेगिस्तान में। हाँ, वाओ, और तभी तो इन्हें कहते हैं इजिप्शियन टॉर्टोसेस। वाओ, देखो ये कैसे इसका पीछा कर रहा है। वाओ, बहुत ही मजेदार है। हेलो पेंगुइन, ये आपने उसे देखा? वो था एक प्यारा पेंगुइन। आज सिएटल वॉशिंगटन के वुडलैंड पार्क ज़ू में आप सबको बहुत मजा आया ना? हाँ, मुझे इन सभी एनिमल्स को देखकर बहुत ही मजा आ गया। हे, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? वाओ, कमाल का एनिमल है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। ऑलराइट, फिर मिलते हैं। बाय। मैं हूँ ब्लिपी, और देखो मेरे पीछे क्या है। वाओ, एक नीला और पीला एरोप्लेन। आपने देखा मैं कैसे एरोप्लेन जैसी एक्टिंग कर रहा हूँ? मुझे एरोप्लेन बहुत ही पसंद है। और हाँ, आज मैं म्यूजियम ऑफ फ्लाइट सिएटल वॉशिंगटन में हूँ, और आज आप और मैं एरोप्लेन के बारे में सीखने वाले हैं। चलो। हेलो, स्वागत है ब्लिपी एयरलाइंस में। आपका कहाँ जाने का मन है? वाओ, सुनने में तो बहुत ही अच्छी जगह लग रही है। बिजनेस के लिए जा रहे हो या घूमने? बढ़िया, ठीक है। देखते हैं, आप चेक इन हो चुके हो, साथ में बैग है? ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू। ठीक है, आपका सामान स्केल पर रख देते हैं। ये रख दिया। आपके सामान का वजन एकदम बराबर है तो इसे कन्वेयर बेल्ट पर रख देता हूँ। ओके। तो आपका सफर सुहाना हो। एक मिनट रुकिए, लगता है कि वहाँ बहुत मजा आएगा, मैं साथ आ सकता हूँ? बढ़िया, ठीक है। ये लो, हो गया। अब मेरे पास भी एक टिकट है, रुको मैं बाहर आ जाता हूँ। हमारे इस सफर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हे, हमें जाना होगा सिक्योरिटी से, ठीक है? आपने वो आवाज सुनी? इसका मतलब मेरे पास ऐसा कुछ है जो नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ वो क्या है। यह मेरा सेल फोन है। ठीक है, इसे वहां रख देता हूँ। चलिए, चलो हम चले। परफेक्ट, चलो चले।
वाओ, जरा इस एरोप्लेन को तो देखो। ये फ्यूजलाज है, ये कैबिन है और वहाँ ऊपर है इसकी टेल। वाह, सफर में बहुत मजा आने वाला है। चलिए मैं मेरा बैग ठीक यहाँ रख देता हूँ, तुम यहीं बैठो बैग। वाह जरा इसे देखो। हाँ, एक फ्यूल ट्रक। वाह ये देखो फ्यूल। चलो होश उठाते हैं और ध्यान रहे कि एरोप्लेन में फ्यूल पूरा भरा हुआ हो। ये लो, हो गया, ये जुड़ गया। ओह परफेक्ट, फुल हो गई। चलो अब वापस चले। ठीक है, अब जब एरोप्लेन में पूरा फ्यूल भर गया है, हम सुरक्षा पेटी बांधेंगे। ओके, इसे हम अच्छे से लगा लेते हैं। लो हो गया। ओके, अब सुनते हैं हमारी पहली उड़ान के निर्देशों को। ब्लिपी एयरलाइंस को चुनने के लिए धन्यवाद। कृपया बीच से ना चले और अपना नजदीकी आपातकालीन द्वार याद रखें। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और सुनिश्चित करें कि वो सही से लगी है। ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ने पर वो ऊपर के पैनल से नीचे आएगा। ठीक है, अब जब हमने सुरक्षा निर्देश सुन लिए हैं, तो अब यात्री भी बैठ चुके हैं। अब टाइम आ गया है एरोप्लेन को उड़ाने का। वो इसे देखो तो सही। वाह, कितने अच्छे अच्छे गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो तो चलो हम चले। देखो तो, वो एरोप्लेन देख रहे हो, वो कितना बड़ा है। मैं बहुत ही छोटा हूँ इस एरोप्लेन के मुकाबले। और देख रहे हो ये क्या है? हाँ, इन्हें कहते हैं विंग्स। ज्यादातर एरोप्लेन्स को दोनों तरफ ऐसे दो विंग्स होते हैं, पर सभी को नहीं होते। कुछ को ज्यादा होते हैं। वाओ, उसे देखो। देख रहे हो, एरोप्लेन के इस मुख्य ढांचे को कहते हैं फ्यूजलाज। वाओ, इस एरोप्लेन को इस्तेमाल करते हैं लोगों को अंदर बिठाकर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, जैसे हम जाते हैं कार से या बोट से या साइकिल से, पर ये उनसे तेज है। पर हाँ, याद है मैंने कहा था कि ये एरोप्लेन कितना बड़ा है? देखो और मेरे पीछे आओ, मैं आपको एक और एरोप्लेन के बारे में बताता हूँ, और वो इतना बड़ा नहीं है। याद है मैंने कहा था वो एरोप्लेन कितना बड़ा है? अब जरा इसे देखो। हाँ, ये एरोप्लेन है छोटा। खैर, ये छोटा तो है उस एरोप्लेन के मुकाबले, पर मुझे यकीन है इससे भी और छोटे एरोप्लेन होंगे। पर हे, यहाँ आपको कौन से रंग दिख रहे हैं? हाँ, लाल, सफेद और नीला। और वो आकार कैसा है? हाँ, ये तो एक तारा लग रहा है। ओह, इसे देख के लगता है कि ये बहुत तेज उड़ सकता है। वाह, इसे देखो तो, ये इंजन लगाया जाता है एरोप्लेन में। हाँ, पर अभी इसके ऊपर की परत लगी हुई नहीं है। वाह, ये कितना बड़ा है। देखो ये मेरे मुकाबले कितना बड़ा है। आपने इसके अंदर का नजारा देखा? यह बहुत सारे होसेस हैं, ट्यूब्स हैं। देखा, हवा यहाँ से अंदर जाती है, फिर कॉम्प्रेस होकर बाहर, और बूम। वाओ, इसके पहिए तो बहुत ही बड़े हैं, और यहाँ पर दो पहिए लगे हुए हैं। हम एरोप्लेन के सामने वाले हिस्से में हैं, तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ कितने पहिए लगे हैं। वाओ, आप देख रहे हो? वाओ, यहाँ पीछे तो बहुत सारे पहिए लगे हुए हैं। वाओ, ये एरोप्लेन तो बहुत ही भारी होगा। हाँ, तभी शायद इसमें इतने पहिए लगे हुए हैं। वो, और देखो तो सही, इसका विंग कितना बड़ा है। अगर बारिश भी होगी तो मेरा दावा है मैं बिल्कुल नहीं भीगूंगा। वाओ, जरा ये एरोप्लेन देखो, लगता है ये बहुत ही तेज उड़ सकता है। हे, वैसे ये एरोप्लेन किस रंग का है? सही कहा, ये नीला है और साथ में थोड़ा पीला भी। बहुत खूब। वाओ, ये एरोप्लेन कितना बड़ा है। वाओ, इसका रंग देख रहे हैं आप? हाँ, ये सफेद है, लाल और खाकी। चलो चलकर और रंग ढूंढते हैं।
वाओ, जरा ये एरोप्लेन को देखो, आपको इसमें कुछ अलग दिख रहा है? हाँ, इस तरफ इसके दो विंग्स लगे हुए हैं और दूसरी तरफ से भी दो लगे हुए हैं। हाँ, इसमें दो विंग्स के जोड़े लगे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है ना? पर हाँ, हम यहाँ इसका रंग जानने आए हैं। ये एरोप्लेन किस रंग का है? हाँ, सही कहा, ये हरे रंग का है। बहुत खूब। ये लोग वो दिखते हैं चींटी जैसे ऊपर से, और इस एयरप्लेन के पंख उड़ते जाए नीले बादलों के संग। तो सुन लो इंजन की आवाज और देखो इसके पंख, करे हम फ्लाई 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 जब तक न छू ले स्काई, ऊंची उड़ान हम चलो भरते जाए, करे हम फ्लाई 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 और थोड़ा ऊपर जाए, और इस एयरप्लेन में उड़ते जाए, हाँ उड़ते जाए। ओए हम उड़ते जाए, ओए ले लो पासपोर्ट, ले लो लगेज, हम चले करने एडवेंचर, पहन सीट बेल्ट, कर जो प्लेन टेक ऑफ, फिर तुम देखो वो व्यू। तो सुन लो इंजन की आवाज और देखो इसके पंख, करे हम फ्लाई 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 जब तक ना छू ले स्काई, ऊंची उड़ान हम चलो भरते जाए, करे हम फ्लाई 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 और थोड़ा ऊपर जाए, और इस एयरप्लेन में उड़ते जाए, हाँ उड़ते जाए। आपके साथ एरोप्लेन के बारे में जानने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, यहाँ पर द म्यूजियम ऑफ फ्लाइट सिएटल वॉशिंगटन में। आपको एरोप्लेन्स पसंद है? हाँ, मुझे भी पसंद है। कितने लाजवाब होते हैं, वो बादलों के ऊपर से उड़ते हैं, और छोटे एरोप्लेन्स होते हैं और बड़े एरोप्लेन्स भी होते हैं। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको सर्च करना है मेरा नाम। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI। बहुत खूब, तो ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। हेलो, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। हाँ, और आज हम आए हैं बोल्डर बेंड ग्लास वर्क्स, जो है लेवनवर्थ वॉशिंगटन में। वाओ, जरा इन सबको देखो, वाओ। और ये है कांच के स्कल्पचर्स। ओ, ये बहुत ही नाजुक हैं। वाओ, मैं इन्हें संभाल कर उठाऊंगा। वाओ, जरा इसे देखो। हाँ, हम इसमें कई तरह की चीजें रख सकते हैं। ओ, वाओ, वाओ, देखो इसे कितना अच्छे से पेंट किया है। वाओ, मुझे ये जानना है कि इन्हें यहाँ कैसे बनाते होंगे। हाँ, ये सभी के सभी हाथों से बनाई हुई है। यही, हाँ, हाथों से बनाई है। इन्हें मशीन या दूसरी किसी चीज से नहीं बनाया गया है। यहाँ रखी हुई हर एक चीज को हाथों से घुमाया है या फुलाया है। हाँ, और इन्हें दो लोगों ने बनाया है, वो भी यही। ओके, चलो चले आ जाओ। वाओ, वाओ, जरा इसे देखो, ये लग रही है एक नीली और सफेद प्लेट। हाँ, मैं इस पर
बहुत सारा खाना रखकर खा सकता हूँ। नम 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 नम। या आप इससे सजावट कर सकते हैं। वाह, देखो कितना अच्छा है। वाह, जरा इसे देखो। नीला और नारंगी, मेरे दो पसंदीदा रंग। वाह, कांच कमाल का होता है, क्योंकि देखो ये कितना सख्त है। आओ, लग गया मुझे। पर ज्यादा तापमान पर इसे गर्म करेंगे, हाँ, तो ये पिघल कर एक लिक्विड बन जाएगा, जैसे कि शहद। मुझे शहद पसंद है। वाह, जरा इस जगह को देखो। वाह, यहाँ बहुत सारी मशीन्स रखी हुई हैं और टूल्स भी। आइए देखते हैं इसे। वाह, इन सबको देखो। ये कैची की तरह दिख रहे हैं। पर ये है कांच के लिए। हाँ, हम इसे भी देखेंगे पर थोड़ी देर के बाद। पर फिलहाल चलो उसे देखते हैं। वाह, जरा इन रंगों को देखो। असल में ये सब हैं कांच के बड़े बड़े टुकड़े। वाह, ये कौन सा रंग है? हाँ, चमकीला लाल। आप सुन रहे हो? सुनो। हाँ, ओके, तो यहाँ थोड़ा लाल, थोड़ा नारंगी, थोड़ा पीला, थोड़ा हरा, थोड़ा फिरोजी रंग ठीक यहाँ पर, और टील, और यहाँ है थोड़ा नीला, और लगता है यहाँ है थोड़ा जामुनी, और यहाँ है थोड़ा सफेद। वाह, क्या बात है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। देखते हैं आज हम कांच से क्या बनाते हैं। वाह, देखो ये सब है कांच के डंडे। वाह, क्या बात है, ये तो अंदर से रंगीन है। वाह, ठीक है, ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या है। वाह, ये देखो। हाँ, ये एक सुंदर मेज। यहीं पर हम मेटल के रॉड को घुमाते हैं और कांच इस छोर पर होता है। ये है एक छोटा सा छोटा मेटल का पैडल, कांच को चपटा करने के लिए। एक बड़ी सी चिमटी। वाह, यह है एक डायमंड शीयर्स। इनमें से हर एक टूल को कांच पर अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। वाह, देखो यहाँ क्या है, एक बड़ा सा पैडल। वाह, लगता है किसी कांच की वजह से इसका रंग ऐसे काला पड़ गया। ये थोड़ा जला हुआ है आगे से। कमाल की बात है। ओके, यहाँ देखते हैं। ये है एक फ्लफी। हाँ, यह है जैसे एक मशाल। हाँ, इसमें से ऐसे लपटे निकलती है। ओहे, देखो, दिखने में लगता है एक कटोरा। वो क्या बात है। जरूर इसमें कांच डालते होंगे। ओके, चलो वहां देखते हैं। वो इसे देखो। हाँ, ये है एक भट्टी। इसी के अंदर कांच डालते हैं और वो गर्म होता है। वहाँ अंदर बहुत गर्म होता है, इसलिए मैं उसे हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। वाह, यहाँ तक गर्मी आ रही है। वाह, जरा इन सबको देखो, कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं। वाह, ये कितने रंग बिरंगी हैं। वाह, पीले, नीले, नारंगी और पीले, जामुनी। वाह, ये देखो यहाँ पर है मेरे दो पसंदीदा रंग, नीला और नारंगी। कितने मजे की बात है। वो जरा ये देखो, लगता है यह है एक सेफ्टी स्टेशन। आप मुझे जानते हैं, मुझे पसंद है सुरक्षा। इसे देखो, यह है बड़े से मिटिंस। इनसे हम पकड़ सकते हैं बहुत गर्म कांच को, इससे आपके हाथ जलेंगे नहीं। या नीचे, वो लगता है ये है एक हेलमेट। कैसा दिख रहा हूँ? परी लग रहा हूँ ना? वाह, मुझे प्रोटेक्टिव गियर पसंद है। हाँ, ये हमारी सुरक्षा करते हैं। ओ, एक और भट्टी। कांच को ठंडा करने के लिए उसे इसी जगह रखते हैं लंबे समय के लिए। वो यह एक और भट्टी।
पर ये भट्टी है बहुत ही ज्यादा गर्म। सारे साफ कांच यहीं पर बनते हैं। हाँ, और दरअसल इसके अंदर बस लिक्विड ही होता है। वाह, उसे देखो, ये है एक मशाल और एक गर्म चीज जिसे मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, यहाँ पर कितनी सारी कमाल की चीजें हैं। पर हाँ, हमें यहाँ सावधान रहना होगा। हे, देखो, हाँ, ये है पाइप्स। कुछ पाइप्स में यहाँ छेद बने हुए हैं, आप देख रहे हो? हाँ, इसी छेद से कांच फुलाने वाला फूंक से हवा को आगे करता है और दूसरे सिरे पर कांच का गोला होता है और वो हवा से फूल जाता है, जैसे आप कोई गुब्बारा बनाते हो चिंगम खाने के बाद। हाँ, और ये पाइप रखने की जगह है। देखो इसे, इनका काम हो चुका है और ये है बहुत ठंडे और इसलिए मैं इन्हें हाथ में ले सकता हूँ। हाँ, कितनी कमाल की बात है। ये है। वो, बहुत बढ़िया। वो क्या कर रहे हैं? हे, आप दोनों कौन हो? मैं क्रेग हूँ। मैं हूँ जॉरी। ओह, मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ ब्लिपी। आप क्या कर रहे हो? हम कांच फुला रहे हैं हार्ट बनाने के लिए। हमें हार्ट बनाना पसंद है। वो, ये कांच को फुलाकर हार्ट बना रहे हैं। आप हमें दिखाओगे इसे कैसे बनाते हैं? हाँ, हमें खुशी होगी। बढ़िया। इसे ऐसे हवा में क्यों घुमा रही हो? वजह है ग्रेविटी। वाओ! ये क्या कर रही हो? मैं इसे एक सुंदर हार्ट का आकार दे रही हूँ। ओह, लगता है वो है एक चिमटी। देख रहे हो वो क्या बना रही है? हाँ, एक हार्ट। हाँ, प्यार की निशानी। आप इसे यहाँ क्यों रख रहे हैं? यहाँ रखने से वो धीरे धीरे ठंडा होता है। जल्दी ठंडा होने से दरारें पड़ जाती हैं। उसे दिन भर अंदर ही रखते हैं 920 डिग्री पर और दो दिन बाद ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। वाह, कमाल की बात है। ये ठंडा होने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ ताकि हम ये हार्ट देख सके। आपने देखा ना, वो बहुत ही कमाल था। उन्होंने कैसे बनाया वो हार्ट? और अब मैं एक हार्ट बनाऊंगा, पर पहले मुझे पहनने होंगे मेरे ये सेफ्टी ग्लासेस। हा हा, वाओ, कैसा दिख रहा हूँ? वू, हा हा, ये। और अब मैं तैयार हूँ। वाओ, वाओ, जरा इसे देखो। वाओ, पहले इसे घुमाना होगा। हाँ, ओ, बहुत मजा आ रहा है। ऑलराइट,
ये हो गया। बहुत मजा आ रहा है। वो ठीक है, हम इसे गर्म कर रहे हैं। मैंने चुना नीला और नारंगी, मेरे पसंदीदा दो रंग। आपको कौन से रंग पसंद है मुझे बताइए। वाओ, बहुत ही बढ़िया रंग है। देख रहे हो मैं इसे कैसे घुमा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि ग्रेविटी कांच को नीचे खींचती है। हाँ, वो ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। हाँ, ज्यादा गर्म है। ठीक है, हाँ, अब लुकाइए। हाँ, वो वैसे ही लुढ़काते रहो। वो हाँ, लगातार लुढ़काते रहो। हाँ, ऐसे ही। ओके, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है ना? बस ऐसे ही करते रहो, अब तुम रुक सकते हो। ओके, अब इसे ठंडा होने दो। ओके, तुम देख रहे थे कि ये अब तक बहुत हिल रहा था। हाँ, इसे थोड़ा और ठंडा होने दो ताकि इसके ऊपर और कांच डाला जा सके, जिससे ये बेकाबू ना हो जाए और दूसरे कांच में जाकर मिल ना जाए। ठीक है? ओके, अब ये ठंडा होने लगा है। वाओ, तुमने अच्छा काम किया। थैंक यू। ए, वाओ, मजा आ रहा है। वाओ, कमाल की बात है कि ठंडा होने पर कांच काफी सख्त होता है, पर ज्यादा तापमान पर अगर इसे बहुत गर्म किया जाए तब ये बदल जाता है शहद जैसे घोल में। मुझे शहद पसंद है, पर मैं इस कांच को बिल्कुल भी खाना नहीं चाहूंगा। क्या शहद को? ये हमें जला सकता है। वाओ, देख रहे हो ये क्या कर रही है? ये इस्तेमाल कर रही है वो चम्मच जैसा डिवाइस और घुमा रही है, और देखो वो कितना चिकना और सर्कल जैसा हो गया। वाह, हाँ, और थोड़ी गर्मी, ये हम चले। वो, हाँ, ओके, ये तैयार है। वो, वो, ऑलराइट, सबसे पहले हमें करना है थपथपाना, हमें इसे घुमाते रहना होगा। ठीक है, क्या ये तैयार है? ऑलराइट, वो देखो तो, इसका थोड़ा और आकार बदलते हैं। क्या ये हार्ट जैसा लग रहा है? ओके, इसे थोड़ा और गर्म करना होगा, और फिर हम इसे आखिरी आकार देंगे। ओके, ओके, अब मैं इसे आखिरी आकार देता हूं, और फिर बाद में वो। ओके, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और अब हमारे इस हार्ट को थोड़ा यहां से खींचते हैं। परफेक्ट। और अब इसे ऐसे रखते हैं। वाओ, अब इसे बीच में से थोड़ा सा सिकुड़े, बिल्कुल ऐसे बीच में से। हाँ, शायद नहीं, खैर कोई बात नहीं। हाँ, परफेक्ट। ऑलराइट, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ओके, बढ़िया दिख रहा है। वाओ, वाओ, कितना मजा आया ना। और अब ये बचा हुआ काम करेंगे, और फिर उसे उस डंडी से बाहर निकालेंगे। अब हम
उस निशान को गर्म कर रहे हैं जो कांच को काटने से बना था, ठीक है? तो इसे गर्म करेंगे, इसे रख देंगे और इस पर मुहर लगाएंगे, ठीक है? बिल्कुल ऐसे। आज तो बहुत मजा आ गया आपके साथ यहाँ बोल्डर बेंड ग्लास वर्क्स में। आपको मजा आया? हे, देखते हैं हमने क्या बनाया। हाँ, उन्होंने बनाया ये सुंदर सा पेंडेंट। वाह, हाँ याद है इसे कैसे फुलाया था और हवा भरकर इसे बड़ा बनाया। वाह, देखो तो, ये तो बहुत ही सुंदर है। और फिर उन्होंने बनाया ये नीला सा सफेद सा कटोरा। वाह, इसके अंदर ढेर सारे पॉपकॉर्न रख सकते हैं। वाह, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। वाह, फिर उन्होंने बनाया एक हार्ट। हाँ, ये रंग है पीला और नारंगी। वाह, देखो कितना अच्छा है ना। और फिर मैंने भी एक हार्ट बनाया। हाँ, मैंने कौन से दो रंग इस्तेमाल किए थे याद है? हाँ, नीला और नारंगी। वाह, ये देखिए। वाह, हमने बहुत अच्छे से काम करके ये बनाया है। वाह, मुझे बहुत मजा आया। ये सब ऐसे दिख रहे हैं ठंडे होने के बाद। हाँ, ये बन गए बहुत ही सख्त। हाँ, और जब ये बहुत ही गर्म थे तब ये लिक्विड की तरह थे। वाह, हाँ शहद जैसे। पर ये शहद नहीं है, ये है कांच। ठीक है, खैर अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो बस आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI। ब्लिपी, बहुत अच्छे। ऑलराइट, बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ब्लिपी।